मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े अनगढ़ा माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग इस मामले को लेकर कभी भी फैसला सुना सकता है। प्रदेश के राजनीतिज्ञों की नजर चुनाव आयोग पर टिकी है और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से तत्कालिक राहत मिलने से सत्ता पक्ष खासकर झामुमो खेमे ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन सहयोगी कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अभी झारखंड से बाहर नहीं जाएं। अब इस फरमान को लेकर झारखंड का सियासी हलचल तेज हो गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रांची से हमारे संवाददाता आशुतोष का। आशुतोष, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो जाने वाले थे कनाडा और अब ये जो दौरा है उसे रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी अनुजा, मैं बता दूं कि इन दिनों जो है झारखंड के सियासी हलकों में जो है अनगढ़ा माइंस लीज मामले में जो मुख्यमंत्री के नाम जो अलॉट आवंटन हुआ था, उस मामले में ईसीआई ने में जो है सुनवाई हो रही थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, तो वो सुनवाई पूरी हो गई। तो माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का जो दौरा है वो इन सभी हालात जो है इस मामले में जो है मुख्यमंत्री का जो है इसमें फैसला सुरक्षित हो गया है ईसीआई ने, और 22 तारीख को जो है बसंत सोरेन के मामले पे सुनवाई होना है। तो माना ये जा रहा है कि इसके बाद कभी भी जो है 24 के आसपास जो है हो सकता है कि ईसीआई अपना फैसला जो है सुना दे कि, और ऐसे में संभावना जो जताई जाए, जो सूत्र बता रहे हैं जो या जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है कि हो सकता है कि मामला जो है पेचीदा हो जाए, मामला फंस जाए, दोनों लोगों के मुख्यमंत्री की और बसंत सोरेन की जो है जायकी चली जाए। तो इन सभी संभावनाओं को देखते हुए ही जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो है दौरा जो संसदीय जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की जो 65वीं बैठक थी उसमें भाग लेने का जो था वो जो है कैंसिल किया गया है। और इसके अलावा जी अनुजा, बिल्कुल आशुतोष, और कांग्रेस की तरफ से आलाकमान ने जो है ये फरमान सुनाया है कि झारखंड से अब किसी भी विधायक को बाहर नहीं जाना है। क्या दोनों जो मामला है उसको जोड़कर देखा जा सकता है? कहीं ना कहीं दोनों ही मामले जो है पूरी तरह से कहे तो ये दोनों मामले एक दूसरे से जो है संबंधित, और ये जो कांग्रेस ने जो आला जो फरमान जारी किया अपने विधायकों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री जो खनन लीज मामला जो था उसी से जुड़ा हुआ है कि इसमें जो ईसीआई कभी भी जो है फैसला जो है 22 तारीख को बसंत सोरेन के मामले की सुनवाई है उसके बाद संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी और या जो क्यास जो लगा जो राजनीतिक पंडित है वो क्यास लगा रहे हैं कि 22 के बाद हो सकता है कि कभी भी ये फैसला आ जाए, और ऐसे में जो राज्य की जो सरकार है जो वर्तमान जो गठबंधन की सरकार है उसके भविष्य को लेकर के, खास करके इसमें चूंकि मुख्यमंत्री का मामला है, मुख्यमंत्री के इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि विधायक की जो है चली जाती है एक संभावना जताई जा रही है। तो उन हालातों से निपटने के लिए ये तो है सारे जो है तैयारियां या जो सारे जो है चाहे फरमान हो कांग्रेस के द्वारा, और मैं बता दूं कि कल जो है सत्तारूढ़ दलों की एक बैठक भी जो है बुलाई गई है, तो इन सारे हालातों पे जो है चर्चा चल रही है राजनीतिक हलकों में गठबंधन के अंदर जो है। हालांकि जो कि गठबंधन दल में शामिल लोग हैं वो खुलकर इस मामले पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कनाडा जाने वाले थे और ये दौरा रद्द कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये फरमान जारी किया गया है कि किसी भी विधायक को झारखंड से बाहर नहीं जाना है। कल बता दूं कि इस पूरे स्थिति को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई गई है।